मनाया जा रहा है। इस पर जयपुर जिले में सहित प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें कितने जिलों में व्यक्ति एकत्रित किया गया है और कितना आप टारगेट आज सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़ कर बनना है यार के हर जिले के अंदर ब्लड कैंप लगाए गए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में कोविड फैल रहा है जिन्होंने ज़्यादा इस कारण से वहाँ पर मिशन फैल गई और पूरे भारत के अंदर बता दूँ आपको कि देश के अंदर लिमका ग्रुप में आंध्र प्रदेश रेडी परिवार है इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 35,000 लोगों का एक दिन। हम चाहते हैं वो रिकॉर्ड आज शायद खुद हो जाएगा जी टूटेगा आने वाले दिनों में तोड़ेंगे। कोविड होते हुए भी कोरोना काल होते हुए भी आज युवा बढ़ चढ़ करके पूरे देश के अंदर राजस्थान के हर जिले में है राजस्थान के हर जिले में जिले के बाद में कई जगह तो जिले की तीन तीन जगह तहसीलों में भी जिले में है ही है उसके अलावा तहसीलों में भी कैंप लगाए गए। मैं आपको बता दूँ ठीक हरा के अंदर ये राजस्थान के जयपुर में आज हमारा कैंप लगाया गया है। ये पहले हम ये चाहते थे कि पूरे राजस्थान का एक जगह यहाँ विद्याधर नगर स्टेडियम में बड़ा बुलंद कैंप लगा करके एक दिन में एक ही जगह हम रिकॉर्ड तोड़े पर परमिशन नहीं मिलने के कारण कोविड के कारण आज हमें अर्जुना हेडक्वार्टर पर अलग अलग ब्लड कैंप लगाने पड़े। ब्लड आप जानते हो इस कोरोना काल के अंदर इस महामारी में एक एक बूंद हम ये चाहते हैं हमारे पूर्वजों ने भी इस देश के लिए एक एक बूंद का कचरा लगाया था। हम चाहते हैं हम भी हमारे जो सैनिक बॉर्डरों पर आए दिन अच्छे उनके शिकार होते हैं कोई गरीब है सोशल है पीड़ित है वो ब्लड की कमी के कारण ना मरे इसलिए हमने हमारा बूंद का कचरा लगाना भी एक एक बूंद का कचरा लगाने के लिए आज ये किए। इसके अलावा हमने काफ़ी जगह हॉस्पिटलों के अंदर जो मरीज है ट्रीट है उनके लिए वहाँ की व्यवस्थाएँ की है उनके लिए जूस की व्यवस्थाएँ की है काफ़ी लोगों के लिए हमने चप्पल जूते कपड़ों की व्यवस्था करवा करके वो भी बढ़वाए हमारे काफ़ी जिला अध्यक्षों ने काफ़ी बड़ों में अलग अलग ये हमारी रणनीति के तौर आज पूरे देश के अंदर लगा है। देखिए श्री राष्ट्रीय राजकारण सेना का आज पांचवा स्थापित रचना दिवस है। आज प्रेस क्लब में एक दूसरे कर्मी सेना ने सर्व समाज की कर्मी सेना अपने आप को बताते हुए श्री राष्ट्रीय राजकर्मी सेना को इनडायरेक्टली अनेक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लेन देन की सेना नहीं बनेंगे क्या लगता है? सही बात है लेन देन की सेना बनाने की उनकी औकात नहीं होगी। किसने क्या आरोप लगाए मुझे पता नहीं आरोप लगाने वालों को सामने वो देखेंगे देख के लाइव आकर के उनको जवाब देंगे ठीक है ना। लेन देन करना उनका काम है या हमारा काम है या किसी और का काम है वो पूरा देश देखता है। आरोप लगाने से नहीं होता आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होता। किसने क्या बोला है उसको जवाब मुंह तोड़ शाम को लाइव आकर के देंगे अभी मेरे नॉलेज में नहीं है किसने क्या बोला। देखिए सुखदेव जी आज पांचवा आपका रहे राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना का स्थापना दिवस है पांचवा रक्तदान शिविर भी आपने बताया कि हमने रक्तदान शिविर किया है लेकिन एक हरियाणा में 75 कौन दे रहा है 75% आज तक सरकारी किसी प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा सरकार ने एक बजट पास किया है उसमें ये कहा है कि प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% अवसर दिए। अब हरियाणा सरकार क्या करे पंजाब का हाल देख चुकी है इसलिए हरियाणा सरकार घबराई हुई है वो तो 100 के 100 को ही दे सकती है दे देंगे ना तब मान लेंगे हाँ दे दिया। हरियाणा में दे रही है तो गुजरात में क्यों नहीं दे रही हरियाणा में जिनकी सरकार है उनकी गुजरात में भी जाए ना वहाँ भी दे दो ना मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे रही वहाँ भी दे दो ना। ये सिर्फ वोट बैंक को इधर से उधर दौड़ाने का काम है लेने देने को कुछ नहीं। तमाम तरह की राजस्थान सरकार ने भर्तियाँ निकाली है सवर्णों को जो 10% की बात थी अभी भर्तियों में देखने को नहीं 10% हर भर्ती के अंदर है एक ऐसी भी कोई भी भर्ती ऐसी मेरे मुझे बताओ जिसमें नहीं है कल ही बैंड बजा देते हैं विधानसभा आपने भी एक लेटर दिया वो हमने ये दिया है कि हमें जो अन्य जातियों को जिनको आरक्षण मिला है उनको आयु में छूट दी गई है वो हमें भी दी जाए। आप अन्य जातियों को वजीफा देते हो वो हमें भी दिया जाए। अन्य जातियों के लिए आपने बोर्ड का गठन कर रखा है वो सवर्ण समाज के लिए भी मानना पड़ता है बोर्ड का गठन ये हमने मांगी है। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें 10% आरक्षण ना दिया जा रहा हो एक भी भर्ती हो तो कल ही विधानसभा का बैंड बजा देंगे।